तुम्हें इतना बस नहीं मालूम है कि मोदी कौन है? जब पढ़ाएगा नहीं साला तो मुझे घर से बाहर चले। दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास में, तो आज मैं चलता हूँ उन बच्चों के पास में और मैं देखता हूँ कि क्या है उनकी आचार विचार, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं, हमारे कल के भविष्य होते हैं, तो हम बच्चों के मंतव्य जानते हैं, आचार विचार जानते हैं उनके, तो चलिए उनके पास चलते हैं। तो चलिए कुछ बच्चों से बातें करते हैं, देखते हैं क्या ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? इमली खा रहे हैं। इमली खा रहे हैं। इमली है कहाँ? ऊपर। हरा है? अब स्कूल पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई बंद। पढ़ाई बंद हो गई? पुरानी साला बंद कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसा बोलना चाहिए? वो एक जुगाड़ बस पढ़ाता है। क्या यहाँ क्या 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 बोल रहे हो? मोदी ना एक ही जुगाड़ पढ़ाता है। नहीं क्या बोल, पूरा बोलो क्या बोले? मोदी बहुत लंच चप्पल से मारा। नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है सारा, पेट्रोल बढ़ा दिया, मुझे साइकिल से आना पड़ता है। हाय गाइस, कौन बोल रहा जी? नहीं तुम्हें क्यों बढ़ा दिया, मुझे साइकिल से आना पड़ता है। पेट्रोल बढ़ा दिया तो तुम बाइक चलाते हो? चला लेते हो बाइक? अच्छा अपनी बोल रहे भाई, भाई। ये बिक्की चलाता है, पूरी नहीं है। रुको रुको एक मिनट, तुम क्यों मोदी को ऐसा क्यों बोले? वो पेट्रोल क्यों महंगा किया है? पेट्रोल महंगा किया है तो तुम पेट्रोल, तुम्हें क्या तकलीफ हो गई पेट्रोल से? मुझे पैदल आना पड़ता है। कहाँ पैदल आना पड़ता है? इमली खाने के लिए? हाँ। यहाँ पे? हाँ, स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए? अजीब बच्चों का जवाब है यार ये सारे बच्चे। देखिए यहाँ पे इमली खाने के लिए आए हैं और हमने इनसे सवाल किया तो ये बोल रहे हैं कि मोदी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मोदी को क्यों खराब बोला तुमने? क्या तुम्हें तकलीफ क्या है मोदी से बताओ? बताओ तुम, बताओ तुम, बताओ तुम, बताओ मोदी क्या खराब लगता है मोदी का? तुम्हें यहाँ 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 आओ, तुमसे बात करनी है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम यहाँ पहले बैठो। तुमने मोदी को क्या बोला कि मोदी खराब है? हाँ मोदी के लिए उल्टा बोला तो ये बताओ मोदी, पहली रुको पहले सवाल करने दो, मोदी कौन है हमारे देश के? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है? बच्चे आसपास में मर रहे हैं। मोदी राष्ट्रपति हैं? अच्छा कौन बताया तुम्हें? कौन बताया मोदी राष्ट्रपति है? प्रधानमंत्री है। ये बताया तब तो समझ में आया तुम्हें, तुम्हें इतना बस नहीं मालूम है कि मोदी कौन है? जब पढ़ाएगा नहीं साला तो मुझे घर से बाहर चले। मोदी आकर के पढ़ाएंगे तुम्हें? और क्या। अच्छा उनके बिना मैं पढ़ूंगा? अच्छा मतलब मोदी स्कूल में आकर के मास्टर बन करके तुम्हें पढ़ाए तब पढ़ोगे? हाँ तब राष्ट्रपिता गांधी, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ मजाक कर रहे थे। मोदी क्या है हमारे देश के? राम। उनका पूरा नाम क्या है? श्री रामनाथ। हाँ श्री रामनाथ। रुको सबसे सवाल कर रहा हूँ, आज मैं देखता हूँ कौन कितना बुद्धिमान है। तुम लोगों से भी अभी पूछता हूँ, मैं देखता हूँ कितना पढ़े हो। तुम बताओ, चलो तुम बताओ मोदी हमारे देश के कौन है? कौन? तुम बताओ हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री मोदी। क्या? श्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तुम बताओ क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये देखो पूरा नाम बोले, क्या नाम है फिर बोलो। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो हमारे देश के कौन है? प्रधानमंत्री। आया समझ में कुछ? नहीं समझ में आया कुछ? हमें आ गया। तुम बोलो, चलो बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ मोदी। क्या बोलो? सही से बोलो, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या नाम है? स्कूल में क्या होता है? खाना खराब भेजो। ये हमारे देश
के भविष्य हैं और इनकी भविष्य कैसी है आप देख सकते हो। दोस्तों अभी तमाम ऐसे बच्चे हैं जो सही ढंग से शिक्षा नहीं पा रहे हैं। बच्चों में ये चीजें कहाँ से आई? ये चीजें आई संस्कारों की वजह से। गाँव में अभी ऐसे बहुत तमाम बच्चे मिल जाएंगे जिनको, हालांकि इन बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो इनको संस्कार कहाँ से मिल पाएगा, इनको नॉलेज कहाँ से मिल पाएगी। इसलिए सभी माता पिता से मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी बच्चों को ध्यान दें कि क्या पढ़ रहे हैं, वो दिन भर में क्या याद किया उन्होंने। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।